काशीराम कॉलोनी के आवास में युवक का शव फांस के फंदे पर लटका मिला। वहां के रहने वालों ने थाना भुगांव पुलिस को दी सूचना। कमरे की से गंदी दुर्गंध आ रही थी, जिसकी सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी हरविंदर मिश्रा पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां कमरे में युवक का शव रस्सी के फंदे पर लटक रहा था। कमरे का दरवाजा तोड़कर रस्सी के फंदे से लटके युवक के शव को पुलिस के द्वारा उतारा गया। देखते ही देखते काशीराम कॉलोनी में देखने वालों की भीड़ लग गई। पता चला भुगांव के मोहल्ला पथरिया निवासी भूरीलाल का पुत्र 13 नवंबर से गायब चल रहा था। जांच पड़ताल में पाया कि गंगाराम का पुत्र अंकित कठेरिया का ये शव है, जिसकी सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई। परिजन घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक अंकित कठेरिया के बड़े भाई ऋषु ने अपने भाई के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शरीर के आधार पर पुलिस लगातार अंकित कठेरिया को ढूंढने का प्रयास कर रही थी, मगर युवक का शव काशीराम कॉलोनी में रस्सी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक के पिता ने बताया कि उसे काशीराम कॉलोनी में आवास मिला था, जिसमें वो न रहकर मोहल्ला पथरिया में निवास कर रहा था। उसका पुत्र बीते दिनों से गायब चल रहा था, जिसका प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया था, मगर उसके पुत्र का शव इस तरीके से मिलेगा ये उसको भरोसा नहीं था। पुलिस ने लिखा, पढ़ी कर मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर यह हत्या है या फिर आत्महत्या? मामला थाना भुगांव क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी आवास का है। क्या नाम आपका? भूरीलाल। भूरीलाल का आपका खत्म हुआ, कैसे क्या खत्म हुआ? ये कोई बात ही नहीं सर, थी घर पे। अच्छा, कब कब घर से गायब हुआ था ये? ये आज 5वें दिन है सर। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा? आई थिंक ये मोहल्ला कोला वाले ने नहीं बताई, ये कॉलोनी के पास वाले ने। अच्छा, तो हमारे घर में जो ताला टूटा है, रात को कुंडी लगी है। फिर कुछ भी नहीं, फिर हम मेरे बच्चा छोटो बीच वाले बच्चे ने जानी भागा मोटरसाइकिल दूसरे के लिए। क्या नाम आपका? भूरीलाल। ये आपका बेटा था? हाँ। क्या नाम था उसका? अंकित। उम्र कितनी थी इसकी? 16-17 साल।